हेलो गाइस, दिस इज़ विजय गुप्ता एंड आई एम हियर विद माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अमेज़ॉन एसोसिएट कैसे बन सकते हो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट करना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके ज़ीरो पैसे लगने वाले हैं और आप एक अमेज़ॉन एसोसिएट बन सकते हो। और आप पैसे कैसे अर्न कर सकते हो अमेज़ॉन एसोसिएट के थ्रू। तो गाइस, हम लेट ना करते हुए हम सीधा आपको दिखाते हैं। तो गाइज़, ये सिंपल सा आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपके पास लैपटॉप होना ज़रूरी है, आप फ़ोन पे भी सारे प्रोसेस कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा फ़ोन पे दिखा दूंगा कि कैसे आपको करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, amazon.in को ओपन करते हैं। मैंने ओपन कर लिया ऑलरेडी। आपको नीचे जाना है गाइज, आपको नीचे स्क्रोल डाउन करना है और आपको यहाँ पर देखो मेक मनी विद अस, नीचे आपको दिख रहा होगा बिकम एन एफिलिएट। तो आपको बिकम एन एफिलिएट पर आपको क्लिक करना है और ये एफिलिएट वाला सेक्शन ओपन हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है रिकमेंड प्रोडक्ट एंड अर्न एडवर्टाइजिंग फीस, ठीक है। मैं नीचे आपको थोड़ा सा क्विक रिव्यू दे देता हूँ। आपको यहाँ पे साइन अप करना, जो फर्स्ट प्रोसेस है साइन अप करना है। सेकंड प्रोसेस है, साइन अप करने के बाद आप कोई भी प्रोडक्ट जो आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट टॉप कैटेगरीज़ में काफ़ी ज़्यादा बिक रहे हैं, उसको उसके लिंक कॉपी करना और आपको दूसरों को अपने फ्रेंड्स फैमिली या फिर कहीं पे भी किसी ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है, उन लोगों को रिकमेंड करना है। और फिर उससे आपको जो अर्निंग होगी वो थर्ड प्रोसेस है, ठीक है। नीचे हम जाते हैं गाइस, नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पे रिकमेंड प्रोडक्ट अर्न एडवर्टाइजिंग फीस, यहाँ से भी आप साइनअप कर सकते हो और आपको ऊपर दिया है तो आपको कहीं से भी आप साइनअप कर सकते हो। यहाँ से हम साइनअप करते हैं, ठीक है गाइस। तो हम amazon.in को साइनअप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसका डेस्कटॉप वर्जन ओपन कर लेना है, ठीक है। डेस्कटॉप साइट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो ये इस डेस्कटॉप साइट जो है कि हमारी खुल चुकी है। और इसमें हमें क्या करना, हमें नीचे जाना है और नीचे आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गाइज कि बिकम एन अफिलिएट, इस पर हमें क्लिक करना है। और फिर हम यहां से क्लिक करने के बाद जो सेम प्रोसेस आप लैपटॉप में कर रहा हूं मैं, वो सारा प्रोसीजर यहां पे खुल जाएगा और यहां पे आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको फिल करना है, पहले मेल आईडी करना है। अब मैं आपको लैपटॉप पे ले चलता हूं क्योंकि लैपटॉप में थोड़ा सा आसानी होगा आपको दिखाने में, ठीक है। तो गाइज़, हम साइन अप कर लेंगे। तो गाइज़, मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना के रखा हुआ है तो आप साइन अप कर लेना। और साइन अप जैसे ही करोगे आप, वेट गाइज, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ ताकि कई लोग होंगे जिनको समझ में आ जाएगा, कई लोग होंगे जिनको समझ नहीं आएगा। तो आप जैसे साइन अप करके, आप अपनी साइन अप में कुछ नहीं करना, आपको अपना नाम डालना है, ईमेल आईडी डालना है और पासवर्ड डालना है दो बार, और उसके बाद वो साइन अप हो जाएगा। उसके बाद वही सेम चीज़ को साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद, ठीक है, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा, क्रिएटिंग योर अकाउंट एसोसिएट, ठीक है, एसोसिएट अकाउंट। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें मैंने ऑलरेडी मेरे जो इसने फेच कर लिया है मेरे क्या बोलते हैं अमेज़ॉन अकाउंट को, ठीक है, जो मैं यूज़ करता हूँ उसमें जितने एड्रेस वगैरह यूज़ करता हूँ वो सारी चीज़ें दिख रही है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, आप जब नहीं कुछ डाले होंगे तो आप नए होंगे तो आपको सिर्फ ये वाला सेक्शन दिखेगा, इतना सेक्शन पे ई नेम से। तो आपको यहाँ पे पे ई नेम में डाल देना है, मैंने विजय गुप्ता डाला है। एड्रेस में आपको डाल देना है जो भी है आपका घर का एड्रेस, ठीक है, हरबंसपुर, ठीक है, एड्रेस डाल देना है। वन में सिटी में, सिटी में डाल देना है सिटी, जैसे कि मेरा सिटी मान लो मैंने डाल दिया, मान लो मेरा सिटी आज़मगढ़, ठीक है, आज़मगढ़ हो गया। स्टेट मेरा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। पोस्टल कोड मेरा है 276001, ठीक है। कंट्री ये है और इंडिया। और आपको यहाँ पे नंबर, आपका फ़ोन नंबर डाल देना है, जो भी आप नंबर यूज़ करते हो वही कोशिश करो वही डालने का, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर डाल दिया, ठीक है, मैंने नंबर डाल दिया गाइस, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना, हु इज़ द मेन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट। तो आपको करना क्या है कि द पे लिस्टेड अबव, तो आपने अपना नाम ऊपर डाला हुआ है इस वाले सेक्शन में जहाँ पर मैंने पे नेम डाला विजय, तो आपको इसके वजह से आपको ये पे लिस्टेड अबव आपको ये वाला सेक्शन डाल देना है गाइज। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो मैं जैसे जैसे आपको बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे कर दो। फॉर US टैक्स पर्पजेस आर यू अ US पर्सन, तो आप US के तो रहने वाले हो नहीं, तो आप क्या करना, सिंपली नो कर देना, ठीक है, मैंने नो कर दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट करना है,
ठीक है, हमें ये सारी चीज़ें लेना था तो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर देता हूँ मैं ये वाला एड्रेस। नहीं गाइज, मुझे दूसरा एड्रेस सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैं ये एड्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद सेम प्रोसेस है, द पेई लिस्टेड अबव, नो। ठीक है, हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारा सेकेंड मांगेगा, यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है कि एंटर योर वेबसाइट और एंटर योर मोबाइल ऐप यूआरएल। तो गाइज़ मुझे पता है कि ये मैंने बोला पहले ही कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई आपको वेबसाइट की ज़रूरत है, ना मोबाइल ऐप की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है कि आपको अपना फेसबुक ओपन करना है। फेसबुक अकाउंट तो गाइज़ हर किसी के पास होगा, ठीक है, वो तो मुझे पता है हर किसी के पास होगा। तो गाइज़ इसमें सिंपली क्या करना, आपका जो फेसबुक के पेज का जो प्रोफाइल का लिंक होगा वो लिंक यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। जैसे मेरा प्रोफाइल लिंक ये है, यहाँ पे हम जाएंगे विजय गुप्ता में और प्रोफाइल लिंक हम ओपन कर लेंगे। तो ये प्रोफाइल लिंक हो गया हमारा। सिर्फ आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ फिर से, आपको सिर्फ यहाँ तक प्रोफाइल तक उठाना है, सिर्फ ये सब हम सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डालना है, पेस्ट करना है और ऐड कर देना। मैंने ऑलरेडी देखो इसको हम हटा देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, ऐड करने के बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। हमें सिर्फ ये अकाउंट चाहिए, तो ये अकाउंट बनाने के लिए हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज़ योर प्रीफर्ड एसोसिएट स्टोर आईडी, तो आप अपना कोई भी स्टोर आईडी डाल दीजिए, जैसे कि मैं विजय डाल देता हूँ, विजय 9415। ठीक है, 4583। ठीक है, मैं ये डाल देता हूँ। फिर सेकंड क्वेश्चन है योर वेबसाइट लिस्ट, वेबसाइट लिस्ट हमने डाल दिया ऑलरेडी। व्हाट आर योर वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स अबाउट, ठीक है, तो इसमें आप डाल दीजिएगा कि आप जैसे कुछ भी डाल देना, कि ये पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट, और तो हम डाल देते हैं यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग। ठीक है, हम फिर नीचे जाएंगे, नीचे से देखेंगे, आप पढ़ेंगे, आपको विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स बेस्ट डिस्क्राइब योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम नीचे जाएंगे। ठीक है, नीचे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, सोशल नेटवर्किंग साइट डाल देंगे। यहाँ पे भी हम सोशल नेटवर्किंग साइट डाल देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे दिया है व्हाट टाइप ऑफ अमेज़ॉन आइटम्स डू यू इंटेंड टू लिस्ट ऑन योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप। तो आपको जो इसमें समझ में आए आप सारे भी डाल सकते हो, आपको जो समझ में आए आप वो डाल सकते हो, क्लोथिंग, ग्रॉसरीज, टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक, मैंने इतने डाल दिया। फिर नेक्स्ट आता है व्हाट टाइप आर योर वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप। तो गाइज ये सब चीज़ें सिर्फ हम फिल कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसमें सब, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे पता आपके पास नहीं है, तो आपको सिर्फ ये भरना है, आप भर दीजिए। सिर्फ आपको अकाउंट चाहिए इसका, इसीलिए अकाउंट होने के बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। हाउ डू यू ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, आप अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे लाते हो, तो आप यहाँ पे डाल देना सोशल नेटवर्क। ठीक है, और नीचे आया कि हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट एंड ऐप्स टू जनरेट इनकम। ठीक है, तो कैसे आप अपनी वेबसाइट से इनकम जनरेट करते हो, तो आप यहाँ पे कर देना कि अदर एफिलिएट प्रोग्राम, सेकेंड में भी आप क्या कर देना, अदर एफिलिएट प्रोग्राम। ठीक है गाइज, हाउ डू यू यूजली बिल्ड लिंक्स, तो इसमें क्या करना आप मैनुअली निकाल कर देना, मैनुअली वायर टेक्स्ट एडिटर, मतलब आप सिंपली कॉपी पेस्ट वाला को जो करते हो उसको ही मैनुअली वायर टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं। हाउ मेनी टोटल यूनिक विजिटर्स डू योर वेबसाइट्स एंड ऐप्स गेट पर मंथ, तो आप क्या करना कि आप कम से कम 500 से 5000 तक डाल देना। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमारा वेबसाइट नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम जितना कम से कम हो उतना डाल दें। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट है तो वहाँ पे आप वेबसाइट अपना डाल दो। ठीक है, व्हाट इज़ योर प्राइमरी रीज़न फॉर ज्वाइनिंग द अमेज़ॉन एसोसिएट प्रोग्राम। ठीक है, तो आप कर देना कि अदर। ठीक है गाइस, इसमें अदर डालना है, मोनेटाइज नहीं डालना है। हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, तो इसमें आपको क्या करना है कि आप अमेज़ॉन साइट के थ्रू आपने इनके बारे में पता चला है ऑनलाइन या वर्ड ऑफ माउथ, मैं वर्ड ऑफ माउथ डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा आया हुआ है, कैप्चा हम डाल देंगे ADWBNF, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट टर्म्स में आप क्लिक कर देना, और गाइस इसको फिनिश कर लेते हैं हम। ठीक है,
ये बहुत सिंपल है गाइस, जो जो चीज़ें मैंने बोला है वही चीज़ आप फॉलो करिएगा। यहाँ पे देखिए गाइस, मेरा अकाउंट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। कॉन्ग्रेट्स विजय गुप्ता, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू द अमेजॉन डॉट इन एसोसिएट प्रोग्राम। योर यूनिक एसोसिएट आईडी इज़ इतना, ठीक है? मेरा यूनिक एसोसिएट आईडी ये है, ठीक है? और हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना है, एंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो गाइस, पेमेंट डिटेल्स आपको भरनी है इसमें, लाइक आपके अकाउंट नंबर भरना है, अकाउंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको डालनी है, प्लस आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन। टैक्स इन्फॉर्मेशन का मतलब आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें वो मांगेगा। तो गाइज, ये सारी चीज़ें हम अभी ना फिल करके, आपको अगर फिल करना है तो आप यहाँ से फिल कर सकते हो, और ये गाइज आप बाद में भी फिल कर सकते हो, जैसे आपको अर्निंग होने लगे। जब अर्निंग होने लगी तब आप जाके यहाँ पे और आप इसमें ऐड कर सकते हो सारी डिटेल्स। तो हम लेटर कर देते हैं, वीडियो थोड़ी और लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा सा छोटा और करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है? हम लेटर करते हैं, हमारा जब इनकम होने लगेगा तब हम इसको, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस दिया हुआ है, ठीक है? बिफोर वी कैन पे यू, यू मस्ट हैव योर टैक्स इन्फॉर्मेशन। टैक्स इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे आप तो आपके सारे के सारे टैक्स डिटेल्स यहाँ से आप फिल कर सकते हैं, जो मैंने बताया अभी। नीचे आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ से आप पेमेंट इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, जो मैंने अभी लास्ट अभी बताया आपको। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको नीचे मैं एक बार दिखा देता हूँ गाइज। तो ये जो समरी है, ये हमारा डैशबोर्ड जिसको बोल सकते हैं, तो यहाँ पे आपने कितनी अर्निंग की हुई है, यहाँ पे टोटल आइटम शिफ्ट, देखो मेरा जीरो दिख रहा है, टोटल अर्निंग जीरो दिख रहा है, टोटल क्लिक्स वगैरह सारी चीज़ें जीरो दिख रही है, सारी चीज़ जीरो दिख रहा है। तो गाइज़, जब आप यहाँ पे ऑर्डर जब आपके थ्रू जाने लगेगा तो यहाँ पे आपकी अर्निंग दिखेगी, यहाँ पे आपके आइटम्स दिखेंगे, टोटल आइटम्स, क्लिक, सारा कन्वर्जन वगैरह सब दिखेगा। नीचे आते हैं गाइज, हम यहाँ पे जो है कि रिकमेंडेड फॉर यू दिख रहा है, तो यहाँ से हम, ये डायरेक्ट गेट लिंक दिख रहा है, यहाँ से भी हम डायरेक्ट गेट लिंक उठा सकते हैं और ये हम शेयर कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी फेसबुक, अपने फेसबुक अकाउंट पे हम पोस्ट डाल सकते हैं, या फिर बहुत सारे ग्रुप्स आप ज्वाइन कर लो फेसबुक के, वहाँ पे आप डाल सकते हो लिंक्स, डेली एक दो लिंक डालते रहो अलग अलग प्रोडक्ट्स के, ठीक है? जो टॉप सेलर प्रोडक्ट्स हैं, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, वो सारे आप डाल सकते हो। आप अपने वो व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल सकते हो, आप पर्सनल लोगों को भेज सकते हो, आपको जैसे लगे कि किसी को इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो उनको बोल दो कि गाइज मेरे लिंक से वो परचेज़ करो, तो भी आपको उसका कमीशन मिल जाएगा, ठीक है? तो ऐसे काफ़ी, आपको भी ना कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है गाइज, ऐसे आप ऑन कर सकते हो, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, टैक्स इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं। और हम क्या करेंगे, व्यू योर पेमेंट प्लान, ठीक है? इस पर हम क्लिक करेंगे तो एसोसिएट प्रोग्राम एडवर्टाइजिंग फी शेड्यूल। तो मैं आपको ये दिखाने के लिए लाया हूँ कि गाइज हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो चीज़, जो प्रोडक्ट, जो कैटेगरी का प्रोडक्ट बेचा है उस पर कितना कमीशन हमें मिलने वाला है। तो गाइज, अब इस पर आपको सिंपल सा पूरा का पूरा डिटेल्स दिया हुआ, अपेरल एंड एसेसरीज, लगेज एंड बैग्स, वॉचेस, शूज़, इन सारी चीज़ों पे आपको 9% का आपको कमीशन मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं टॉयज़ एंड बेबी प्रोडक्ट, होम किचन अप्लाइंसेस, किचन एंड हाउस वेयर, इस पर भी 9% मिलेगा आपको। स्पोर्ट्स, फिटनेस एंड आउटडोर्स, DIY एंड टूल्स, इस पर भी 9%। तो गाइज, ऐसे करके सारी चीज़ों पे आपको परसेंटेज मिलेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, टेलीविज़न आ गया, कंप्यूटर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, एसेसरीज़, ये सब चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, इसीलिए इस पे 4% दिया हुआ, क्योंकि ये ऑलमोस्ट आपको 20-25 हज़ार, 12-13 हज़ार ऐसे आपको परचेज करना होता है, तो इसीलिए परसेंटेज कम है। लेकिन आप जब एक भी टीवी आपके थ्रू बिकेगा तो आपको ऑलमोस्ट अच्छा खासा 1000 के करीब आपको कमीशन मिल जाएगा गाइज। तो वैसे हम यहाँ पे आते तो मोबाइल फ़ोन्स पे आपको 2.5% का कमीशन है, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस पे 2.5 है, गोल्ड एंड सिल्वर पे आपको गोल्ड एंड सिल्वर पे आपको 0.2% है, ठीक है? तो ऐसे फर्नीचर वगैरह पे देख लीजिए 10% दिया हुआ है, न्यू मोबाइल फ़ोन्स एट 1% फिक्स्ड एडवर्टाइजिंग फ्री फीस, ठीक है? तो गाइज, जो नए नए फ़ोन्स आते हैं, जो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे आपने देखा होगा कि जो स्पेशली उनके प्लेटफॉर्म पे ही बिकते हैं, तो उन फ़ोन पे आपको फिक्स्ड 1% एडवर्टाइजिंग फ़ी मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है? तो यहाँ पे अदर, ठीक है? तो अभी हम क्या करते हैं, आपको लेके चलते हैं अमेज़ॉन के साइट पे, ठीक है? अमेज़ॉन डॉट इन पे हम चलते हैं, और आपको गाइज ये लॉगिन ही रखना है, आपको लॉगआउट नहीं करना है, डायरेक्ट आपको अमेज़ॉन पे आपको लॉगिन कर देगा ये। तो गाइज ये आप देख लीजिए कि ये जो पोर्शन है साइट स्ट्रिप, ये स्ट्रिप आपको जब आप अमेज़ॉन के एसोसिएट पार्टनर बन जाते हैं तो आपको ये
ऊपर का ये स्ट्रिप जो है ये दिखने लगता है, शो करने लगता है। यहाँ से सेटिंग वगैरह जो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे गेट लिंक्स दिया है, टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं आपको दिखा दूँ कि कैसे आपको प्रोडक्ट के लिंक्स यहाँ से उठाने। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हम क्या करेंगे, हमें कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को सेल करना है जिसमें हमें प्रॉफिट कमीशन ज़्यादा मिलने वाला है। तो गाइस आपने देखा था क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज में 9% था। तो लाइक कोई भी आप जो जो भी आपको लगे कि उस मैं एक काम करता हूँ, फर्नीचर, फर्नीचर पे कितना था, 10% था, लेकिन फर्नीचर लोग डेली परचेज़ नहीं करते, ठीक है। तो आप जैसे कि आप कपड़ों में जा सकते हो, एसेसरीज़ में जा सकते हो, शूज़ में जा सकते हो, जो लोग ऑलमोस्ट हमेशा परचेज़ करते रहते हैं, तो आपको कमीशन ज़्यादा मिलेगा क्योंकि बार बार लोग आपकी आपके रिकमेंडेशन पे जो लिंक उनको मिली रहेगी उस पर वो लोग, जैसे मैं डाल लेता हूँ यहाँ पे शर्ट्स डाल लेता हूँ, सर्च करता हूँ, ठीक है। तो गाइज़ मैंने शर्ट जो है कि सर्च कर लिया है, अभी ओपन हो रहा है। मैं दिखाता हूँ कैसे आपको लिंक क्रिएट करना है, और वो लिंक आपको आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आपको भेजना है, जितने भी लिंक आपको क्रिएट कर सकते हो उतने। गाइज़ ये हमारा शर्ट्स के सेक्शन ओपन हो चुके हैं, तो यहाँ से आपको जो भी शर्ट लगे कि हाँ ये अच्छे हैं, जैसे कि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी एक अच्छा सा शर्ट, तो मुझे ये, तो गाइज़ ये देखो हमने क्लिक किया और इस शर्ट का हमें लिंक मिल गया, ठीक है। तो ये लिंक क्या करना है आपको, यहाँ से आप फुल लिंक करोगे तो फुल लिंक आ जाएगा, तो फुल लिंक आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको शॉर्ट लिंक लेना है, ठीक है। आप शॉर्ट लिंक पे डायरेक्ट क्या करोगे, राइट क्लिक करके इसको कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, अपना फेसबुक ओपन करना है, जैसे मैंने फेसबुक ओपन कर लिया, और यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, पोस्ट कर देना है फेसबुक पे, ठीक है। आपको क्रिएट पोस्ट करना है, और क्रिएट पोस्ट पे आपको ये लिंक पेस्ट कर देना है। लिंक पेस्ट जैसे आप करेंगे, आपको ये दिखा देता हूँ मैं, ये ओपन हो जाएगा अभी। तो गाइज ये ऐसा कुछ ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको नीचे देखते हैं तो ये पूरा ऐसे दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ कैप्शन डालना है, तो आप कैप्शन डाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप डाल दो लाइक, यहाँ पे डाल देते हैं हम बेस्ट सेलिंग शर्ट इन अमेज़ॉन, ठीक है। और हम इसको क्या करेंगे, पोस्ट कर देंगे, ठीक है गाइस। हमने ऐसे इसको पोस्ट कर दिया, ठीक है, ये पोस्टिंग हो रहा है। जैसे ही पोस्ट हो जाएगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये देखो ये पोस्ट हो गया। अब जैसे इस लिंक से कोई भी यहाँ से या फिर इस लिंक से कोई भी क्लिक करके इसको अगर परचेज़ करेगा तो उसका जो 9% कमीशन होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है गाइज। तो गाइज़ ये ऐसे लिंक आप जनरेट करो, जितने भी प्रोडक्ट्स चाहिए आप उनके सारे लिंक्स जनरेट करो, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप जैसे कि आपके आसपास के लोग बहुत सारे होंगे जो फैमिली मेम्बर होंगे या रिलेटिव्स होंगे, उनको अगर फ़ोन सेलफ़ोन बाई करना है तो आप उनको जो फ़ोन बाई करना है उसका लिंक वहाँ से उठाओ और उनको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दो और बोल दो इस लिंक से जाके परचेज़ कर ले। तो उस लिंक से परचेज़ करने पर उनको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, जो प्राइस अमेज़ॉन पे दिखेगा या वही प्राइस सेम आप उनको उस लिंक पे भी दिखेगा, तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है और आपको आपका कमीशन उससे मिल भी जाएगा। तो गाइज़ ये रही, और ये चीज़ आप पूरा का पूरा चीज़ें मोबाइल पे भी कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने आपको मोबाइल का दिखा दिया। आपको सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन ओपन करना है और आप जो है कि ऐसे सारी चीज़ें लिंक शेयर करके आप पैसे अर्न कर सकते हो। तो गाइज़ और बिना इन्वेस्टमेंट के, इसमें आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं, कोई वेबसाइट की ज़रूरत नहीं, कोई एप्लीकेशन बनवाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं गाइज़, ठीक है। तो गाइज़ अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो आप नीचे चले जाओ, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, और आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। तो गाइज़ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।